वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ललित गेमिंग 3773 पर। और गाइस यार, ये हमारा रैंक पुशिंग का एपिसोड नंबर 5 होने वाला है। और गाइस आप सभी देख सकते हो, इस रैंक सीजन यार मैंने 4641 का स्कोर भी कंप्लीट कर दिया है। और गाइस यार, मैंने अपने पहले वीडियो में, मतलब यार रैंक पुशिंग का जो एपिसोड नंबर 1 है उसमें भी कहा था कि भाई मैंने बहुत ही लेट रैंक पुशिंग की स्टार्ट की है, तो यार मैं इस रैंक सीजन के एंड होने तक मास्टर जरूर जाऊंगा। भाई ग्रैंड मास्टर यार बहुत ही टफ है, मतलब अभी अगर मैं ट्राई करूंगा तो यार ग्रैंड मास्टर नहीं जा पाऊंगा, लेकिन यार मैं मास्टर रैंक जरूर जाऊंगा। और यार आप अगर चाहते हो कि आप भी मास्टर जाओ तो यार देखने, मतलब यार फॉलो कर सकते हो मुझे, मतलब यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही एपिसोड आपको मिलेंगे हमारे सोलो रैंक पुशिंग में। और आपको बताऊंगा कि भाई आपको कैसे हीरोइक टू मास्टर जाना है, ठीक है। और गाइस यार मैं ट्राई करने वाला हूँ कि यार मास्टर में एक स्टार भी लगा दो इस सीजन के एंड होते होते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस एपिसोड का ये फर्स्ट मैच होने वाला है गाइस, और आप देख सकते हो भाई मैंने अभी तक 5 किल कर लिए, और भाई अभी मुझे छोड़ के अभी 3 बंदे अलाइव है। और मेरे सामने एक बंदी है जिसको मैं नहीं मार रहा, हम दोनों मिलके एक बंदे को मार रहे हैं भाई, जो कि यार वो आप सामने देख ही सकते हो, ठीक है। और भाई उस बंदी, जो सामने वाला बंदा था उसको मैंने मार दिया, लेकिन मैं उस बंदे ने इस बंदी को भी मार दिया। और भाई मैंने इस बंदी से, मतलब यार बंदी है या बंदा मुझे नहीं पता भाई, पर मैंने इससे टीम अप किया था। और ये पहले इसने टीम अप किया था भाई, लॉबी में इसने टीम अप किया था, मतलब ऐसे उठक बैठक कर रही थी लॉबी में, तो मुझे भी लगा भाई ये टीम अप करना चाहती है। तो ये जब फुल मैप में मुझे मिली तो भाई इसने टीम अप कर लिया मेरे साथ, और मैंने भी इसके साथ टीम अप कर लिया भाई। और कुछ ज़्यादा मत सोचना, वैसे मैंने टीम अप ही किया था इसके साथ, ठीक है। और गाइस यहाँ पे जो लास्ट बंदा बचा था भाई, वो भी सामने निकल के आ जाता है। और यार भाई मैं, मतलब यार बताने में इतना बिजी हो गया कि यार उस बंदे के बारे में ही नहीं बताया आपको जो कि मेरे सामने। तो गाइस अभी एक सामने एक बंदा था, और भाई वो ग्रेनेड पे ग्रेनेड किए जा रहा था, तो मैं भी यार देख रहा था कि मेरे पास कितने ग्रेनेड है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है भाई मेरे पास एक भी ग्रेनेड नहीं है, लेकिन 3 लैंडमाइन थी। तो मैंने वहाँ पे लैंडमाइन लगा दी, मैंने सोचा भाई बंदा अगर मेरा पीछा करता आएगा तो भाई ग्लोअल के पीछे लैंडमाइन लगाऊंगा तो उसको दिखेगा नहीं, लेकिन यार भाई लैंडमाइन का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो जोन के बाहर लगाई मैंने। और भाई मैं अभी यहाँ पे पीछे आ गया था क्योंकि यार मुझे जोन में भी जाना था। और आप सोच रहे होंगे भाई एक ही बंदा बचा है और मैं रस क्यों नहीं कर रहा उसके ऊपर, तो भाई मैं बता देता हूँ कि आप देख सकते हो भाई मेरे पास शॉर्ट रेंज में कैसी गन है, इस गन का नाम भी मुझे नहीं पता भाई शॉर्ट रेंज में है, मतलब यार भाई मुझे कोई अच्छी गन नहीं मिली थी शॉर्ट रेंज के लिए, तो भाई इसी गन को मैंने उठा लिया। और इसका नाम भी नहीं पता भाई मुझे कि क्या नाम है इसका। और भाई ये गन, मतलब शॉर्ट रेंज में इतनी कारगर नहीं है, लेकिन फिर भी यार देख सकते हो भाई 20 HP रखी मेरे इस बंदे ने। और वैसे मैंने इसको किल कर लिया और इस मैच को भी क्लियर कर दिया था। और गाइस आप देख सकते हो यार इसमें मुझे पूरा प्लस भी मिल गया क्योंकि यार भाई मैंने 7 किल भी किए थे इस मैच में। तो गाइस ये हमारा सेकेंड मैच होने वाला है, और इस मैच में यार आप देख सकते हो भाई अभी भी 2 बंदे अलाइव है मुझे छोड़ के, और भाई मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 3 किल कर लिए। और मैं यहाँ पे आके बैठा ही था कि भाई मुझे नीचे से किसी बंदे की फुटप्रिंट की, मतलब यार कह सकते हो आवाज़ आ गई, मतलब कि वो भाई मेरे ऊपर रस कर रहा था, ठीक है। और भाई उसने यार जंप शॉट मारने की ट्राई किया, लेकिन भाई वो मतलब कह सकते हो कि भाई टावर से नीचे चला गया, और तब तक मैंने मेडिकिट मारी। और भाई वो फिर से ऊपर आया और मैंने यहाँ पे 2 M10 के शॉट बजाए, लेकिन भाई उसको एक भी कनेक्ट नहीं हुआ। और भाई इस वक्त देख सकते हो भाई मेरे पास 2 ही ग्लोअल थी, और दोनों ही ग्लोअल मैंने यहाँ पे डाल दी क्योंकि यार भाई मुझे उस बंदे से बचना था, अगर भाई मैं यहाँ पे मारा जाता तो ये ग्लोअल मेरे कुछ काम की नहीं होती। तो यार भाई मैंने वहाँ पे ग्लोअल डाल के, यहाँ पे नीचे मेरी बाइक थी तो मैं बाइक ले ली, और मुझे भाई जोन भी दिख चुका था कि भाई नीचे जोन बनने वाला, और मैंने बाइक इस पैर के पीछे रोक डाली क्योंकि यार भाई उनको जोन में आना ही पड़ेगा, वो दोनों बंदे भाई बाहर ही थे और दोनों की फाइट भी स्टार्ट हो गई थी भाई। और मैं सेफली यार बाइक का रोटेशन लेके यार जोन में आ चुका था, और मैं ट्राई कर रहा था कि यार एक बंदे को एलिमिनेट कर दूँ। और भाई आप देख सकते हो भाई कि अभी मेरे पास एक भी ग्लूअल नहीं है, और जो दोनों बंदे यार फाइट कर रहे थे तो उसमें से एक बंदे ने, कि जो हमारे टावर वाला बंदा था भाई, उस बंदे को उसने मार दिया जो पीछे से बंदा आया, मतलब कि आप समझ सकते हो जो टावर पे जिस बंदे ने मुझ पे रस किया था वो बंदा भाई मर गया था, ठीक है। और इस बंदे के पास भाई ग्लोअल थी और ये जोन में भी नहीं था, तो भाई ये मतलब एक तरह से कह सकते हो भाई मुझ पे रस करने आ ही रहा था, देखना भाई अभी ये मुझ पे रस करने आएगा, ठीक है गाइस, क्योंकि इसके पास ग्लोअल है।
मुझे लग रहा था कि भाई इसको भी पता चल गया कि मेरे पास कोई ग्लूअल नहीं है, इसलिए मैं पेड़ का कवर छोड़ ही नहीं रहा था। और भाई देख लो ये, मतलब या तो ग्रेनेड करने आ रहा था या फिर मुझ पे रस करने आ ही रहा था। और गाइस यहाँ पे मैंने इसको बहुत, मतलब बहुत तो नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा बहुत डैमेज कर लिया। और देख सकते हो भाई पीछे से यार जोन भी स्टार्ट हो चुका है, और मेरे पास ग्लूअल भी नहीं है और मेरा क्रोनो भी चार्ज नहीं है। तो अभी मैं बस यार VSS के सहारे ही था कि यार अगर हेड लग जाए VSS का तो यार आराम से इजी सा किल ले सकता हूँ। लेकिन यार मैं इसके बहुत क्लोज आ गया और मैंने यहाँ पे M10 की चार गोलियाँ उसके ऊपर दागी, लेकिन भाई वो जोन में ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, वो अपने ही ग्लूअल में फंस के यार जोन में एलिमिनेट हो गया। तो आई होप गाइस आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।